में दशहरा के अवसर पर गोवर्धन के मानसी गंगा में श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। मथुरा के गोवर्धन में मां गंगा के अवतरण दिवस गंगा दशहरा पर मानसी गंगा के प्रमुख घाटों पर सैकड़ों महिला पुरुष श्रद्धालुओं ने हर घर गंगे जयघोष के साथ आस्था की डुबकी लगाई। गंगा दशहरा पर मानसी गंगा में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। मानसी गंगा के गिरिराज घाट, पुरोतन घाट, मानसा देवी घाट, चकलेश्वर घाटों पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य लाभ कमाया। श्रद्धालुओं ने मानसी गंगा में स्नान कर परिक्रमा मार्ग में ठंडी शरबत, पूड़ी, सब्जी आदि भंडारे का पुण्य लाभ कमाया। श्रद्धालु राम भरोसी पाठक ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण के मन की प्रकट की गंगा और नाम पड़ गया। मानसी गंगा में स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। डीडी शर्मा, मथुरा, समाचार 24। क्या नाम है आपका? राम भरोसी पाठक जी। आज जैसा कि गंगा दशहरा है, मानसी गंगा में स्नान करने का क्या महत्व है? गंगा दशहरा पर हमारे पूर्व में ही मानसी गंगा में सब गोपा लगाती थी, इससे पुत्रों को शांति मिलती और अपने खुशहाल जीवन की कामना लोग करते। पहले लोग जो है ऐसे पानी में भी नहरों में जाते थे, जमुना जी में जाते थे, लेकिन बाद में सभी लोग मानसी गंगा में ज़्यादातर स्नान करने आते हैं। खासतौर से राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली के लोग आज भी देखने को बहुत मिलेंगे आए हुए। ये सब मानसी गंगा में स्नान करते हैं, पूर्वजों को शांति मिले और अपनी मनोकामना सिद्ध हों, ये कामना लेकर आते हैं और गिरिराज जी पर दूध। इस बुलेटिन